बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सीएम हेमंत सोरेन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिन 2500 युवाओं को नौकरियां देने का क्रेडिट ले रहे हैं, इनकी सरकार ने 19 जनवरी 2022 में कार्मिक विभाग के संकल्प पत्र संख्या 229 के जरिए नियुक्तियों वाले विज्ञापन को ही रद्द करने का आदेश दिया था। इन छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट तक संघर्ष करके जीत हासिल की है। ये नियुक्तियां जो हो रही है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक हो रही है। इसमें राज्य सरकार का कोई क्रेडिट नहीं, बल्कि राज्य सरकार ने तो इन युवाओं के दावों को खारिज कर दिया था। सरकार ने इन नियुक्तियों को और इन विज्ञापन, देखिए आज हेमंत सरकार जिन 2500 युवाओं की नौकरियों का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, एक समय तो इसी सरकार ने इन नियुक्तियों को और इन विज्ञापन को खारिज करने की अधिसूचना जारी की थी। तो यह तो वही बात हो गई कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। दरअसल ये नियुक्तियों की शुरुआत रघुवर दास के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के समय प्रारंभ हो गया था और मेडिकल टाइपिंग रिटर्न सारा एग्जाम हो गया था, लेकिन सोनी कुमारी वाले मामले के कारण, उच्च न्यायालय में लंबित होने के कारण ये नियुक्तियां नहीं हो पाई। और ये सरकार ने तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में मामले को ठीक से भी नहीं लड़ा। और मैं आपको सरकार के कार्मिक विभाग के 19 जनवरी 2022 का संकल्प पत्र संख्या 229 दिखा रहा हूं, जिसमें इसी विज्ञापन के जरिए जिसमें आज 2500 युवाओं को नौकरियां देने की बात हो रही है, इस सरकार ने साफ कहा था कि सारे विज्ञापनों को निरस्त किया जाता है। यानी इन 2500 युवाओं को जो आज नौकरी देने की सरकार बात कर रही है, 19 जनवरी 2022 में कार्मिक विभाग ने एक संकल्प पत्र के जरिए इस विज्ञापन को ही निरस्त किया था। यह तो बाद में छात्रों का संघर्ष था, छात्र सुप्रीम कोर्ट तक लड़े, अपने पैसे से वकील को रखा, सरकार पर कंटेम्प्ट केस हुआ, तब सरकार को मजबूरन इनकी नौकरियां करनी पड़ी। तो हद होती है मुख्यमंत्री जी, जबरदस्ती आपने जिन युवाओं की नौकरियों पर ग्रहण लगा दिया था, खारिज कर दिया था विज्ञापन को, आज आप उनको अपना बता रहे हैं। उनको इतना विलंब भी नहीं होता अगर आपने 19 जनवरी 2022 को इसे खारिज करने का संकल्प पत्र नहीं निकाला होता। इनकी नियुक्तियां तो शायद 1.5 वर्ष पहले ही हो जाती। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम रांची। झारखंड बिहार की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज़ 5 स्कोप, अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज़ 5 स्कोप ऐप।